मालूम था मैच होगा। अगर ये रिपोर्ट पुलिस को मिल गई तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये रिपोर्ट ही फाड़ के फेंक दूंगा, प्रॉब्लम ही खत्म। पर डीएनए सैंपल तो यही है ना मां का, ये तो दोबारा टेस्ट करके रिपोर्ट बना सकते हैं। मुझे मां का सैंपल ही यहां से हटाना होगा, उसकी जगह कोई भी दूसरा सैंपल रख दूंगा। ये मां का सैंपल ये हटाना है, और इसकी जगह ये रख देता हूं। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या किया तुमने? तुम्हें रिपोर्ट दी ना, तो फिर सैंपल के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं आई एम सॉरी। सुनो, एक्सक्यूज मी, सुनो सुनो, सिक्योरिटी। हेलो हेलो प्रीशा, कहाँ हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? हाँ, दोनों कौन? तुम और रुद्रा, कहाँ है वो? वो फोन नहीं उठा रहा है, कुछ हुआ तो नहीं ना? फोन दो उसे। रुद्रा मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है तो कहाँ है? मुझे क्या पता। प्रीशा वो भी तो वहीं गया था। कहाँ? यहाँ फॉरेंसिक लैब। हाँ, लेकिन क्यों? मैंने उसे सब सच सच बता दिया था। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे पीछे जाए तुम्हें रोके। मैं उसे कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। अब तुम कहाँ हो? माँ वो एक्चुअली मैं घर से निकली तो मुझे राहुल का कॉल आ गया था। उसने बोला कि नीरजा की हालत ठीक नहीं है, तो मैं वहाँ चली गई। अभी वो बेटर है तो मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ। इसका मतलब रुद्र अंदर चला गया, कहीं कुछ मुश्किल में ना फंस गया हो वो। हे भगवान, अब क्या करेंगे? सब मेरी वजह से हो रहा है ये सब। माँ माँ आप शांत हो जाओ, रुद्र को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अब टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं देखती हूँ, वो मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपको कॉल करूंगी। ओके? हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। पूछ तो गई पर माँ का डीएनए सैंपल, उसका क्या करूं, उसे कैसे हटाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा, वो सैंपल हटाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पर क्या करूं, कैसे हटाऊं वो सैंपल? अच्छा मौका मिला था मुझे इतना वेट करना ही नहीं चाहिए था, हटाना चाहिए था वो। क्या करूं? कहां ढूंढूं रुद्राक्ष को? कॉल करती हूं। कहीं सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? किसी ने पकड़ तो नहीं लिया उसे? अब इधर कैसे बुलाऊं इसे? कहीं चली गई तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ वो तुम रुद्राक्ष, आपका डीएनए सैंपल भी यही है, क्या करूं? कैसे बुलाऊं उसे? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पीपी किट क्यों पहनी है? अरे मैं बताता हूँ यार, सब बताता हूँ। मैं लैब में गया था ये पहन के। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट दी ना, तो फिर सैंपल के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? रक्ष, ये रिपोर्ट डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, ये तो दोबारा बन जाएगी। हमें डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हाँ, उसी का तो वेट कर रहा हूँ मैं। मौका मिलते ही लैब में जाऊंगा और वो सैंपल खराब कर दूंगा मैं। हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? मुझे भी तो ये पीपी किट चाहिए होगी। अरे सबका इंतजाम किया हुआ है मैंने, तुम आओ मेरे साथ।
सुनो, तुम पहले जाओ, मैं भी अंदर था, हो सकता है मुझे पहचान ले। ऐसे घबराओगे तो सही में पहचान लेंगे। कॉन्फिडेंट रहो, ऐसे बिहेव करो जैसे तुम यहाँ पर जॉब करते हो, जैसे एक्सपर्ट हो। अच्छा, और अगर कोई टेक्निकल सवाल पूछ लिया तो? ये फर्जी एक्सपर्ट जाएगा सीधा जेल के अंदर, सीधा अरेस्ट होगा। और तुम तो यही चाहती हो ना, तुम फिर अपनी मर्जी का करोगे? तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो, अब जल्दी चलो इससे पहले कोई सच में पहचान ले। कॉन्फिडेंट रहना, ओके? हाँ, तुम अपनी देखो, मेरी टेंशन मत लो। गुड आफ्टरनून। गुड नून। डीएनए सैंपल्स वहां है, ये इधर उधर क्या देख रही हो? सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल होता है, उस केमिकल को डीएनए सैंपल में मिक्स करने से सैंपल कभी भी सही रिजल्ट नहीं देता, हमेशा गलत रिजल्ट देगा। और वो माँ के डीएनए सैंपल्स में मिक्स करना है? हाँ, जाओ देखो ना। आप कहाँ जा रहे थे? मतलब जाम क्यों आए? डीएनए रिपोर्ट्स लेने आए हैं ना? वो हमारा काम है हरीश जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इससे पहले भी तुम्हें एक काम दिया था जो तुमसे हो नहीं सका। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अंदर मीडिया वाले होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। थैंक यू, चलो। ड्रॉपर देना। गॉड, माँ के सैंपल का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। गुड नून सर। कृति जैन केस में पुराना फैमिली की रिपोर्ट्स रेडी है, वही लेने आया हूँ, तो जल्दी। कमाल है सर, ऐसा क्या खास है पुराना फैमिली की रिपोर्ट्स में? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी एक आदमी पुराना फैमिली की रिपोर्ट्स ही लेने आया था। क्या बकवास कर रहे हो, मुझसे पहले कौन आया यहाँ पर? मैंने किसी को नहीं भेजा। सर मुझे लग भी रहा था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आदमी डीएनए सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रिपोर्ट लेकर भाग गया। एक काम करो, बाकी फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट दो मुझे, जल्दी, कम ऑन फास्ट। ओके सर। हाँ जी, हाँ हम ट्राई कर रहे हैं।
लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पर वो रिपोर्ट्स फाड़ दी। अब जब तक वो वापस टेस्ट लेंगे तब तक माँ का सैंपल सल्फ्यूरिक एसिड से खराब हो चुका होगा, उन्हें सही रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। चलो अब जल्दी से चेंज करो, इससे पहले कि कोई देखे हम फौरन निकलते हैं यहाँ से।